माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, किसने बनाया मोजिस्मा, हम उसको इनाम नहीं रेल मंत्रालय देंगे। अभी मजा आएगा ना। एक्शन। देखा दोस्तों, ये बढ़िया रेल है जो पानी और पटरी दोनों पर चल रही है, और रेल मंत्री से इसका नामांकन करवाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले फालतू में ही लोग रेल मंत्री जी को भला बुरा कह रहे थे, ऐसा तो 70 साल में नहीं हुआ। बधाई हो साहब जी को। और वर्षा ने सरकार के इंतजाम का पोल खोल कर रख दी है, इतना तो भारत में विपक्ष भी सरकार की पोल नहीं खोल पाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब संसद, हॉस्पिटल, स्कूल, सभी जगहों पर बीजेपी ने स्विमिंग पूल बना दिए हैं। आप जहां भी चाहो स्विमिंग पूल का मजा ले सकते हो हमारे सरकार में। आखिर और क्या चाहिए। वैसे शुक्र है कि ये ट्रेन दिल्ली नहीं जा रही है, नहीं तो लोको पायलट पर मुकदमा भी हो सकता था, क्योंकि एक तो पानी में ट्रेन चल रही है, ऊपर से ट्रेन की रफ्तार हमारे साहब से भी ज्यादा तेज चल रही है। या फिर यह भी हो सकता है कि हमारे साहब जी इस नई ट्रेन का ट्रायल करवा रहे होंगे, जो होगा वाटर प्रूफ। इसका सामने है आपके प्रूफ। और भारतीय इंजीनियर को भी बधाई देना चाहिए जो बिना रिश्वत के काम कर रहे हैं। और इसी झील रूपी प्लेटफार्म को मछली पालन के लिए मछुआरों मल्लाहों सहयोग समिति के साथ बंदोबस्त करना चाहिए रेल मंत्री जी को। और ये सब सिर्फ भारत में हो सकता है, और वो हमारे मोदी जी ही कर सकते हैं कि हवाई जहाज बाई रोड जमीन पर, रेलगाड़ी पानी में और नाव आसमान में चल सकता है। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज थोड़ा विराम दे लो, लाइट पे बिल्कुल ना लगा दे। इधर आ जाओ। चलो चलो चलो। देखा दोस्तों, ये बुलडोजर अयोध्या के भदरसा रेप केस मामले के मुख्य आरोपी मुईद खान के घर पर एक्शन लेने जा रहा है। ताइए, यहाँ हमारे बाबा जी का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है, फिर भी ये लोग हमारे योगी बाबा से डरते ही नहीं हैं। यही होना चाहिए ऐसे घृणित काम करने वाले के साथ। और लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं, आरोपी मुईद खान सांसद अवधेश प्रसाद का खास आदमी है, यही है समाजवाद का असली चेहरा, बचाने के लिए आ गए हैं इनको अखिलेश यादव, ये है इनका भी चेहरा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सब जानते हैं ये लैंड माफिया है, सख्त से सख्त इस पे कार्यवाही करनी चाहिए। और कार्यवाही ही नहीं, ऐसे लोगों को सीधा फांसी दे देना चाहिए, तभी समझ में आएगा हमारे बाबा जी का व्यवहार, फिर नहीं कर सकेगा ऐसा कोई अत्याचार। नहीं तो एक तरफ बीजेपी वाले वैसे ही बदनाम है कि सही काम नहीं करती, और इधर हमारे बाबा जी जब बुलडोजर चलाते हैं तो समाजवादियों की है फटती। यह है घृणितवादी पार्टी जो भर चुकी है इनकी बाल्टी। यही सब करके ये लोग चलाते हैं अब अपनी रोजी रोटी, अब जाकर पीसें जेल में आटा की चक्की।